अच्छा लास्ट हेडिंग क्या था? अच्छा रिंग वायर की वजह से। देखो यानी लास्ट हेडिंग जो पढ़े थे आप कि एक रिंग वायर बताए थे कि यदि इस रिंग वायर पर कोई क्यू चार्ज प्लस क्यू सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो तो इसके केंद्र से x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P था जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी थी और इस रिंग का रेडियस क्या लिए थे कैपिटल R। ठीक है, क्योंकि ये जो Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यह लीनियर चार्ज के रूप में डिस्ट्रीब्यूट है और इस पे जो चार्ज था वो क्या था लेमडा कुलाम पर मीटर। यहां से आपने एक डिस्टेंस लिया था R, कैपिटल R नहीं R ही था ना। चलो इस R डिस्टेंस पर यहां पे आपने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड की थी और उसकी वैल्यू क्या आई थी बताओ के क्यू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर 3/2। ये आपने फार्मूला डिराइव किया था इसके प्रीवियस क्लास में, ये फार्मूला सबको याद होना चाहिए। ठीक है, ये चूंकि प्लस क्यू लिए होती इसलिए इसको भी प्लस क्यू कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इक्वल टू के क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या इसी को इस फॉर्म में भी आप नोट कर सकते हो इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन क्यू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ठीक है, इस रूप में भी आप इसको लर्न करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप लगाओगे के की वैल्यू या तो ये रखो या फिर 9 × 10^9 रखो, यहां तक आप पढ़े थे। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीज बताए थे, पहला उसमें आप नोट करते चलेंगे, नोट फर्स्ट अगर मान लो कि ये x की वैल्यू धीरे धीरे आप घटाते चले आओ कहां पे इसके सेंटर पे, अगर x की वैल्यू आप घटाते घटाते कहां चले आओ सेंटर पे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगी जीरो। x इक्वल टू जैसे सेंटर पे आओगे x इक्वल टू जीरो, जैसे ही आप x इक्वल टू जीरो करोगे वैसे ही e की वैल्यू क्या हो गई जीरो, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी जीरो, ध्यान रखना क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सेंटर पूछ देता है तो फिर सेंटर पे वहां पे फार्मूला ये भी देगा तो वो कंफ्यूज हो, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक है, सेकंड क्यों जीरो होगा, अभी गॉस थ्योरम पढ़ोगे तो वहां क्लियर होगा क्योंकि बीच में हेलो होगा, खाली स्थान है, हेलो स्थान है और चार्ज यहां पर है नहीं, चार्ज तो इसके राउंड पे है तो गॉस थ्योरम पे भी अप्लाई करोगे तो भी आप इसकी वैल्यू क्या होगी जीरो होगी। सेकेंड अगर इससे बहुत दूर चले जाओ आप यानी इनफाइनाइट, अगर एक्स इक्वल टू क्या कर दो इनफाइनाइट, तो आप देखो धीरे धीरे आप जब दूर जाओगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाएगी, या जैसे ही एक लिमिट डिस्टेंस के बाद जाओगे यानी इसको कहा जाए इनफाइनाइट, तो ई की वैल्यू भी क्या हो जाएगी वहां पे जीरो। तो ये दोनों कंडीशन में एक्स इक्वल टू जीरो सेंटर पे भी जीरो और इनफाइनाइट पे जा रहे हो तो भी, लेकिन x से जब जीरो से ऊपर आगे तक थोड़ा थोड़ा बढ़ेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट आएगी, फिर वहां से धीरे धीरे कम होते होते कहां चली जाएगी जीरो। समझ रहे हो ना, पहले धीरे धीरे क्या होगा जीरो से बढ़ेगा, यानी एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे e की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो हमें यही मैक्सिमम निकालनी है, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए क्या होना चाहिए बताओ DE, E चेंज हो रहा है किसके साथ X के साथ, किसके साथ चेंज हो रहा है X के साथ, तो X के साथ इसका डिफरेंशिएशन करें तो X की वैल्यू जितना मतलब एक ऐसा पॉइंट्स होगा जहां X की वैल्यू मिनिमम होगी और इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं DE अपॉन DX इक्वल टू जीरो, X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन अगर जीरो है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम होगी, इसमें आपको डिफरेंशिएशन करना होगा किसका बताओ डी अपॉन डी एक्स, किसका करोगे इसका के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या करोगे डिफरेंशिएशन, कैसे डिफरेंशिएशन करोगे, कैसे हो गया सेकेंड फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 और यहां क्या बच गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 3/2। ठीक है, और फिर इसको आप अब इसको करो किसको भाई, ये पहला पहले टर्म का कर दिए अब पूरे सेकेंड टर्म को करो, तो इसको क्या लिख सकते हो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे -3/2,
तो इसका जब डिफ्रेंसिएशन करोगे क्या होगा, माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर माइनस 5/2 इंटू, जिसको आप टी मानते हो, मैथ में आप पढ़े होंगे, जिसे आप टी मानते हो उसका फिर डिफ्रेंसिएशन करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के ही रिस्पेक्ट, तो आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी। एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, कितना हो गया 2x। अब यह वैल्यू यहीं पे रखो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस, चूंकि जब मल्टीप्लाई के रूप में करते हो तो ये प्लस होता है बीच में, होता है ना, माइनस 3/2 और यहां पे क्या लिख सकते हो, चूंकि इसका इंटू रखोगे ही के क्यू 2x इंटू x अपान 2x इंटू x क्यों लिखा गया है, अरे इसको इंटू करोगे ना, इसको इंटू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे क्या 5/2। यहां पे देखो किसका डिफरेंशिएशन किया गया, एक्स का, और यहां पे किसका किया गया 1/r² + x² 3/2 का, ठीक है, इक्वल टू ये क्या हो गया जीरो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां क्या बचा देखो के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 माइनस 3 के क्यू एक्स स्क्वायर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे 5/2 इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे इस पे कॉमन क्या ले सकते हो, के क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 कॉमन हो गया, तो बचा क्या यहां पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3x² अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, यही बचा ना, 3/2 प्लस करोगे 5/2 आएगा, कॉमन ले लिया गया, ये 5/2 में से 3/2 लोगे तो केवल एक ही तो बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया पूरा जीरो, तो यहां बच्चा क्या, इसको सॉल्व करो तो लिखोगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x² अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो हो जाएगा ना। तो अब यहां पे क्या बच्चा बताओ, आर स्क्वायर माइनस 2x² इक्वल टू जीरो या आर स्क्वायर इक्वल टू 2x² या एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आर स्क्वायर अपान 2 या एक्स इक्वल टू क्या हो गया आर रूट 2 प्लस माइनस, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आर अपॉन रूट 2 पे दो कंडीशन होगी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और दोनों कंडीशन में जैसे देखो कहां कहां होगा, ये मान लेते हैं आपका ए वाई हो गया और ए माइनस वाई हो गया, ए प्लस एक्स हुआ और ए माइनस एक्स हुआ ना, तो अगर जीरो सेंटर से चल रहे एक बार इधर तो क्या होगा, ये मैक्सिमम होगी फिर यहां आके आपका जीरो हो जाएगा, फिर इसी तरीके से जब इधर आओगे आप यहां पे क्या होगा, ये मैक्सिमम होगी फिर इधर आके जीरो हो जाएगा, समझे, तो ये ग्राफ बना जो ये पॉइंट आया मैक्सिमम का, मैक्सिमम की जो पॉइंट आई वो क्या आया आर अपॉन रूट 2 प्लस और इधर कितना आया माइनस आर अपॉन रूट 2, एक ग्राफ बना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ कई बार पूछा हुआ एग्जामों में, ठीक है, बाकी ये आप जाग देख लो कई सारे बुकों में केवल आर इक्वल टू सीधे डिफरेंशिएशन कर करके नहीं बताया है, ठीक है, वो सीधे वैल्यू लिख दिया है कि आर इक्वल टू प्लस आर बाई रूट 2 या प्लस माइनस आर बाई रूट 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और इसके डिफरेंशिएशन में क्या रखा है बताओ यार, इसको हम ले लिए फर्स्ट टर्म, इसको ले लिया गया सेकेंड टर्म, यहां पर हमने सेकेंड टर्म का पहले डिफरेंशिएशन कर दिया, पहले फर्स्ट सेकेंड किसी का कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, और इनटू फर्स्ट टर्म में लिख दिए माइनस, अब सेकेंड टर्म का किया गया, सेकेंड टर्म मतलब 1/r² + x², तो 1/r² + x² का डिफरेंशिएशन करने के लिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं r² + x² - 3/2, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे क्या होगा -3/2 r² + x² - 5/2, क्योंकि माइनस करोगे 5/2 हो जाए, लेकिन ये r² + x² का फार्मूला नहीं होता, उसको हम t मानेंगे, क्या मानोगे t, अब फिर उसका जब डिफरेंशिएशन करोगे x के रिस्पेक्ट में तो r तो जीरो हो जाएगा, लेकिन x का कितना हो जाएगा 2x, x² का 2x होगा, तो उसका हम इनटू कर देते हैं, पता होगा तुम लोगों को मैथ में पढ़े होंगे इनटू 2x, यही काम हमने यहां पे, यही सब सारी वैल्यू हमने यहां पे रख दिया, k q तो कांस्टेंट ही रहेगा इक्वल टू
जीरो, ठीक है। बाकी इसमें अगर आप देखो तो टू से टू कैंसिल हो गया, बाकी के क्यू अपन आर स्क्वायर थ्री बाई टू। अब इसमें से के क्यू अपन थ्री बाई टू बाहर हो जाएगा कि नहीं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू बाहर हो जाएगा, और जब ये बाहर ले लोगे तो यहाँ वन बचेगा, और इसमें से भी के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू बाहर ले लोगे तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा, थ्री एक्स स्क्वायर अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। मेहनत तो करना पड़ेगा बाबू, देखो, और ये चीज नहीं है कि मतलब क्यों कहो कि अब की वन की टू आर वाला वैल्यू तो फिर खत्म हो, समझना तो पड़ेगा, दिमाग लगानी पड़ेगी, बेसिक तो पहले से तैयार करना होगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये सब का मन चिकर रियल चाह रहे हो कुछ करना तो, बाकी डिग्री लेके और जैसे वहां पे फ्रेमिंग करके लगाया गया था लगाना हो तो अलग बात है, कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा जीरो हो गया, इसमें से कॉमन ले लिए, इसको अब सॉल्व करोगे क्या हो गया, ही होगा ना, अरे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा आर स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, एक क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा जीरो हो जाएगा, आर की वैल्यू आ गई यानी एक्स की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, लिख लो, नोट करके लिखिए, नोट फर्स्ट नोट सेकेंड जो कल बताए थे उसमें आप नोट फर्स्ट लिखो, ये नोट सेकेंड लिखो, उसके बाद नोट थर्ड लिखो, यहां तक कल लिख लिए होंगे आप, इसके आगे लिखिए नोट थर्ड फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। अच्छा एक चीज बताओ, अगर बेसिक तैयार है तो कोई टफ है इसमें, कुछ तो नहीं करना है, डिफरेंशिएशन तो आपको सीखना है, डिफरेंशिएशन आपको सीखना है, और डिफरेंशिएशन में हम तुम लोगों के साथ पहले दिन हम मल्टीप्लाई या डिवीजन के रूप में बताए भी थे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का डिफरेंशिएशन वगैरह इस तरह का फॉर्मूले थोड़ा बहुत बताए भी थे, इरेज नहीं करते हैं इसमें, कुछ टॉपिक क्वेश्चन बताओ तुम लोग, कहाँ गया जी मेरा हालैंड वाला इरेजर, यहाँ ये वो निकलेंगे ही, क्यों नहीं निकलेंगे, देखिए यहाँ पे ए बताओ मैक्सिमम कब हो रहा है, प्लस आर बाई टू, तो उसकी वैल्यू कितनी होगी बताओ, इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू। देखो कैलकुलेशन भी आना चाहिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि प्लस माइनस और नंबर डिजिट का ही हम प्लस माइनस और मल्टीपल कर रहे हैं, वही कैलकुलेशन है, इसमें भी कैलकुलेशन होगा, क्यों, क्योंकि एक्स इक्वल टू क्या रखोगे आर अपॉन रूट टू, तो अब यह वैल्यू इसमें रखकर कैलकुलेशन करने आना चाहिए, तो अगर एक्स की वैल्यू यहां पर रखोगे ई इक्वल टू तो क्या आएगा बताओ, के क्यू आर अपॉन रूट टू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन टू पे थ्री बाई टू, तो इसको क्या लिख सकते हो बताओ, के क्यू आर बाई रूट टू अपान, इसको क्या लिखोगे टू आर स्क्वायर थ्री आर स्क्वायर, थ्री आर स्क्वायर अपन टू पे थ्री बाई टू, या के क्यू आर बाय रूट टू अपान, इसको क्या लिख सकते हो थ्री पर थ्री बाई टू, तो इसको लिख सकते हैं थ्री रूट थ्री, बताओ थ्री पर अगर थ्री बाई टू लिखते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू थ्री पे वन बाई टू, बोलो थ्री पर थ्री बाई टू पे थ्री इंटू, क्यों, क्योंकि इस पे वन है, वन और प्लस वन मल्टीप्लाई करते हो तो ऐड करते हो ना, तो वन प्लस वन बाई टू क्या होगा थ्री बाई टू ही होगा, तो अब देखो यहाँ पे यही सब तकनीकी ध्यान रखना, तो इसको क्या लिख सकते हो यानी थ्री पर थ्री बाई टू को थ्री रूट थ्री, और इसकी कितनी वैल्यू हो गई बताओ आर क्यू, क्या हो गया आर क्यू, क्यों टू से टू कैंसिल हो गया, और नीचे क्या बचा बताओ टू रूट टू, ये भी हो जाएगा ना टू रूट टू, जैसे ए थ्री पर थ्री बाई टू का थ्री रूट थ्री हुआ है ऐसे इसकी वैल्यू भी टू रूट टू हो जाएगा, अब क्या करो रूट टू से रूट टू कैंसिल कर दो, और यहां एक आर से तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बताओ टू के क्यू आर अपान आर नहीं कैंसिल हो गया ना थ्री रूट थ्री आर स्क्वायर, ये आपका ई मैक्सिमम आ गया, देखो नहीं समझ में आया कैलकुलेशन समझ आया वैल्यू रखने पर, देखिए
ए रिंग से रिलेटेड कोई चीज आगे कर लोगे ना। चलिए अब देखिए, आप अगर मान लो एक हम ले लिए ये पार्ट, इस पे प्लस चार्ज प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कितना है प्लस क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इसके वजह से इस पे हमेशा टॉपिक बता रहा हूं कि एक जानो तो उससे रिलेटेड सब कर लो, ये जान जाओगे पूरा रिंग जान जाओगे पूरी सब निकाल लोगे ठीक। इसके वजह से मान लो कितना है थीटा एंगल है, थीटा क्लियर नहीं है, इसके वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, चार्ज इस पे सेम रूप से डिस्ट्रीब्यूट है, तो आप जान ही रहे हो इसको शो करें या ना करें तो भी आप समझ जाओगे। इसकी रेडियस कितनी है, मान लो कैपिटल आर, ये रेडियस कितनी है कैपिटल आर है ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो, चूंकि इसके पहले भी कराए थे लेकिन वो हम इसमें थोड़ा सा टर्म चेंज करेंगे कि और आसानी से समझ जाओ ठीक है। तो बताओ इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करोगे सबसे पहले, सबसे पहले हाँ तो चूंकि यहाँ थीटा ले लिए इसलिए एल्फा ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं देखो रिंग को तोड़ने का तरीका याद रखो, राड को तोड़ने का तरीका एक्स डिस्टेंस पे जाके डी एक्स, इसी तरीके से देखो ये पूरा चार्ज है ना, और इस प्रकार के ऐसा नहीं है कि कोई सेंटर पर कोई एक चार्ज है उससे निकाल दो पूरी वैल्यू, ऐसा कोई सेंटर चार्ज नाम की कोई चीज होती नहीं है इसमें, क्योंकि चार्ज सब जगह डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए इसको छोटे छोटे पार्ट में आपको तोड़ना ही पड़ेगा। तो रिंग का तोड़ने का तरीका बताए थे थीटा पे जाकर डी थीटा, तो चूंकि यहाँ पे थीटा एंगल ले लियो इसलिए क्या करते हैं एल्फा पे जाके, कितने एल्फा एंगल पे जाकर कितना ले लो डी एल्फा, कितना डी एल्फा, ए आपकी वैल्यू हो गई। और यहां इसकी वैल्यू डी क्यू क्या हो जाएगी बताओ, लेमडा इंटू डीएल, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल, डी क्यू इक्वल टू लेमडा इंटू डीएल कैसे हुआ, क्योंकि लेमडा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डीएल होता है ठीक है। अब यहां डीएल की वैल्यू कैसे निकालोगे बताओ, डीएल की वैल्यू, अरे डीएल की वैल्यू कैसे निकालोगे, आर का पान ये आर का है क्योंकि सर्किल बन रहा है चाप बटे त्रिज्या यानी आर का पान रेडियस, तो डीएल की वैल्यू जब लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ, डी अल्फा इक्वल टू आर्क, आर्क मतलब डीएल अपॉन रेडियस आर, यानी डीएल की यानी डी क्यू की वैल्यू क्या लिख दो बताओ, लेमडा इंटू आर इंटू डी अल्फा, इसमें किसी कोई डाउट, यानी इस पे जो चार्ज होगा यही होगा, कहीं पे भी कोई भी रिंग हो किसी भी तरीके का तो आपको सबसे पहला काम यही करना है कि थीटा पर लिए हो अगर थीटा है तो एल्फा पे जाकर डी एल्फा या थीटा पे जाकर डी थीटा लेंगे, और उसकी वैल्यू डी क्यू की वैल्यू आप निकालोगे लेमडा आर इंटू डी एल्फा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे एक चीज बताओ, ये जब प्लस चार्ज है तो इस चार्ज की वजह से इसकी डायरेक्शन किधर होगी, बाहर की हो बाहर की तरफ होगी, होगी ना ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताओ, इस छोटे की वजह से निकाल रहे हो, चलो ध्यान दो इसकी वजह से आप निकाले हो ठीक है। तो ये बताओ ये एंगल कितना है, तो ये भी कितनी होगी अल्फा होगा ना। अब जब इस तरह की चीजें होंगी, जब थीटा एंगल पर आ रहा है यानी अल्फा एंगल पे आ रहा है, इसके दो कंपोनेंट्स होंगे एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो अगर इसके वजह से चूंकि यह एंगल बन रहा है तो इसका यह क्या होगा हॉरिजॉन्टल और ये क्या होगा वर्टिकल, होगा ना। इसके लिए सबसे पहले जब यहां पे DE की वैल्यू निकालोगे तो DE की वैल्यू क्या आएगी बताओ, K DQ अपान R स्क्वायर, या इसी को क्या लिखोगे K DQ की वैल्यू क्या लिखोगे लेमडा R D अल्फा अपान R स्क्वायर, R से R कैंसिल तो क्या बच गया DE इक्वल टू के लेमडा डी अल्फा अपान आर, ये डीई की वैल्यू निकली एक छोटे से पार्ट का, लेकिन इस डीई के कितने कंपोनेंट्स होंगे दो। तो पहले आप क्या लिखो ई वर्टिकल, क्या लिखो ई वर्टिकल, तो क्या लिखोगे बताओ कहां से जीरो से थीटा तक, जीरो से थीटा एंगल लिया ना भाई, जीरो से शुरू की हो थीटा ले लिए, बाकी अगर मान लो पूरा ले रहे हो तो जीरो से पाई, जीरो से अगर यहां ले रहे हो तो जीरो से पाई बाई, समझ रहे हो ये देखो इसी इसीलिए मैं इसको बताया हूं। इससे अगर पूरा हाफ का यहां दिया हो तो क्या करोगे जीरो से पाई बाई जीरो से पाई
यहां तक अगर पूरा हाफ दिया तो जीरो पाई बाई टू, तो थीटा की वैल्यू चेंज होती जाएगी बस। और चूंकि थीटा अगर पाई यहां लोगे तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में कोई एक जीरो हो जाएगा, लेकिन जब थीटा पर लोगे तो कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक जीरो हो। अभी देखना इसकी वैल्यू अलग आएगी। ई बीच का क्या हो जाएगा बताओ, के के लेमडा आर डी, सॉरी लेमडा डी अल्फा अपॉन आर इंटू साइन हो जाएगा ना, साइन अल्फा, क्योंकि परपेंडिकुलर ही है आपका, ये हॉरिजॉन्टल हो गया ठीक है। जीरो से थीटा, जीरो से थीटा, या ई बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको, के लेमडा अपॉन आर, और यहां क्या बच गया, साइन अल्फा इंटू डी अल्फा जीरो से थीटा। अच्छा इसी तरीके से ई हॉरिजॉन्टल लिखो तो क्या लिखोगे, ए लिख देते हैं डायरेक्ट, के लेमडा अपॉन आर, और यहां क्या हो गया, कॉस अल्फा इंटू डी अल्फा जीरो से थीटा। बोलो इन दोनों कोई डाउट किसी को, हालांकि देखो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस है तो ही सब ही इतना ही सब दिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको लिखो आंसर ला दो कैलकुलेशन करके, प्रैक्टिस मस्ट है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा बताओ, साइन अल्फा का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉस अल्फा, तो इसको लिखोगे बताओ, पहले मान पहले आप क्या लिखो थीटा, तो माइनस कॉस थीटा माइनस, फिर माइनस प्लस कॉस थीटा, नहीं वन हो जाएगा प्लस, तो इसको हम क्या लिख दें बताओ, के लेमडा अपॉन आर वन माइनस कॉस थीटा लिखा जा सकता है। बोलो ये वैल्यू निकला, नहीं समझे, साइन अल्फा का माइनस कॉस अल्फा। प्रैक्टिस थोड़ा करिए कि सब स्टेप खत्म हो जाए आपके लिए, टाइम और स्पीड और एक्यूरेसी बहुत जरूरी है कंपटीशन निकालने के लिए, इसलिए मैं चाह रहा हूं साइन अल्फा की इंटीग्रेशन माइनस कॉस अल्फा, और जब माइनस कॉस अल्फा हो गया तो पहले अपर लिमिट रखोगे तो लिखोगे माइनस कॉस थीटा अल्फा की जगह, फिर माइनस, फिर क्या लिखोगे माइनस कॉस जीरो अंश, तो कॉस जीरो अंश की वैल्यू वन, माइनस माइनस प्लस, यानी माइनस कॉस थीटा प्लस वन, वन को इधर ला दोगे तो क्या लिख दोगे वन माइनस कॉस। बोलो कोई डाउट इसमें, इसी तरीके से ई एच की वैल्यू लिखो, बस हम यही चाह रहे हैं थोड़ा सा स्पीड तुम लोगों का बढ़ जाए, और वो तभी होगा जब प्रैक्टिस घर पे करोगे, जैसे मुझे याद है यहाँ पर बच्चे हो और बैठेंगे तो अपनी बात नहीं करेंगे, दूसरे तीसरे की बात करेंगे, केवल वो मजा ले, वो क्षणिक है, एक डेढ़ साल दो साल बाद कोई नहीं पूछने वाला है, पोजीशन बनाना है तो आपको त्याग करना पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, सुख जो भी सुख के चक्कर में पढ़ोगे तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आप दो तो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तो उस तक पढ़ाई कहाँ करते, हम नहीं करना तुम लोग दो बजे तक पढ़ो, लेकिन बारह एक बजे तक तो पढ़ना चाहिए, रात में 9 बजे के बाद बैठो, कम से कम 3 घंटा बैठ के पढ़ो, 12 बजे भी सोओगे तो भी 6 घंटे की नींद बहुत होती है 5 घंटे की, स्टूडेंट लाइफ में कहने के लिए केवल कम सोएंगे तो डिप्रेस शरीर को जैसे, हाँ दिक्कत कब होती है, कभी 6 घंटा सोए, कभी 5 घंटा सोए, कभी 4 घंटा, कभी 3 घंटा, तब दिक्कत है, आप अगर 3 ही घंटा सो रहे रेगुलर का शरीर को उसी में डाल लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फिक्स टाइम होनी चाहिए, इतना सोना है इतना ही सोना है, लेकिन आप 5 घंटा आपके लिए नींद बहुत होती है, 12 बजे सोओगे तो भी 5 बजे जगोगे तो भी आपकी पूरी नींद 5 घंटा हो गई कि नहीं हो गई, 5 घंटा बहुत होता है, लेकिन यहाँ 12 बजे तक सबको पढ़ना चाहिए बैठ के, अगर कुछ करना है तो, माँ बाप के बुढ़ापे की लाठी बननी हो और अपना भविष्य संवारनी हो तो, और इस जमीन से आकाश में उड़ना हो तो सिर्फ पढ़ाई एक रास्ता है आने वाले समय में भी अभी भी, और IIT और नीट ही एक ऐसा भी, देखो बाकी ग्रेजुएशन करो तैयारी करो तो बड़ा लंबे प्रोसेस है, गवर्नमेंट की गलत गलत पॉलिसियां दिक्कत है, लेकिन IIT और नीट एक ऐसा तुम्हारा क्षणिक तत्काल में तुम नीट क्वालिफाई कर लिया, IIT तुम्हारा फ्यूचर पर राइट हो गया, लेकिन बाकी अगर नहीं निकाल पाए तो ग्रेजुएशन करो 3 साल है, उसके बाद तैयारी करो गवर्नमेंट की गलत के BTC BEd करके 5 साल से इंतजार कर रहे हैं, 7 साल से 6 साल से कि अब चूहेगा, अब गवर्नमेंट निकालेगी, अब निकालेगी, तमाम लोग आत्महत्या, इलाहाबाद प्रयागराज लखनऊ आत्महत्या करना बच्चे शुरू कर दिए, लेकिन ये जो नीट और IIT है ये आपके लिए इंतजार करने वाली चीजें नहीं है, पढ़ो तुरंत निकालो लाइफ बन गई, समझ रहे हो ना, तो इसलिए 12 कम से कम 12 एक बजे तक पढ़ने की आदत डालो रात में, अब मोबाइल वगैरह से एकदम पूर्णतः दूरी बना लो, जितना अधिक दूरी बनाओगे उतना ही फायदे में रहोगे। चलो ये आपका निकल गया, इसका बताओ ई हॉरिजॉन्टल क्या लिखेंगे, के लेमडा अपान आर कॉस थीटा का साइन थीटा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या लिखना बताओ, साइन थीटा इक्वल हो जाएगा, क्यों
क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगा और थीटा की थीटा ही रह जाएगी। तो ये क्या निकला, ई एच, क्या निकला हॉरिजॉन्टल और क्या निकला वर्टिकल। ठीक है, अब एक चीज बताओ, इन दोनों का अगर ये तो अलग अलग हो गया, ये समझ पाए कि नहीं। अब अगर इसका नेट निकालो, ई नेट, ई नेट निकालो तो क्या लिखोगे, अंडर रूट ई स्क्वायर एच प्लस ई स्क्वायर भी लिखोगे ना, या ई नेट इक्वल टू के लेमडा अपन आर कॉमन ले लो और यहां लिख देते हैं वन माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अंडर रूट और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको सॉल्व करके बताओगे कोई क्या है, आप इसको सॉल्व करके चेक करके लाना। हालांकि हम डायरेक्ट आंसर इसका ले दे रहा हूं, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, के लेमडा अपन आर साइन थीटा बाई टू। इसको आप, इसका आप स्टेप कल बताओगे कि कैसे साइन थीटा बाई टू हुआ है, हो जाएगा। हाँ करके लाना आप, ठीक है, के लेमडा अपन टू के लेमडा अपन आर साइन थीटा बाई, देखो यह एक क्वेश्चन है लेकिन अगर समझो तो इसमें 10 प्रकार के क्वेश्चन बन, इसीलिए डेरिवेशन ऐसा कराना होगा, थोड़ा सा दिमाग ओपन करके बैठो, इससे 10 प्रकार के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। यह स्टेप करके लाना, नहीं समझ में आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। हाँ वही चीज तो है, हाँ। अरे यहाँ पे जानते हो क्या आएगा लास्ट में, आएगा कि अंडर रूट टू वन माइनस कॉस थीटा, अंडर रूट टू वन माइनस कॉस थीटा लिख दे रहा हूं यहाँ पे, वन माइनस कॉस थीटा। ठीक, बाकी इसकी वैल्यू जो हो जाएगी ये पूरी, इसी पूरी वैल्यू ही साइन थीटा बाई टू हो जाएगा, देख लेना इसको करके, टू वन माइनस कॉस थीटा की पूरी वैल्यू ही आपका साइन थीटा बाई टू होगा। टू से मल्टीप्लाई कर दो, टू से डिवाइड कर दो, तो साइन थीटा बाई टू इक्वल टू क्या होता है, वन माइनस कॉस थीटा बाई टू। नहीं पढ़े हो, चलो प्रयास करना, नहीं आएगा कल बता देंगे। इसके बाद ये स्टेप आएगा, इसको जब तोड़ोगे लगाओगे तो टू वन माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट में आएगा, क्योंकि कुछ वर्क भी आप करो ना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीजें आ गई तो आसान हो जाएगा फिर, और यही आप लोगों को थोड़ा सा भी दिक्कत है, ये नहीं कर रहा हूं सबको लेकिन कुछ लोगों को भी ये दिक्कत है कि सब छोटे छोटे कैसे हम सॉल्व करें इस तरह की, तो कैसे सीखना, तो लिख लो एक लाइन का क्वेश्चन है। हाँ इसको क्यों नहीं चलेंगे, देख रहे हो झार उड़ के, तो चलेंगे नहीं, लिखो द पॉजिटिव चार्ज, नहीं तो हम अभी हम जानते हो ना लेट से आते हैं, हमारे इंतजार में लेट हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी हम, अरे भी हम बाहर जाते हैं। द पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द पॉजिटिव चार्ज स्मॉल क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन ए ऑन ए सेमी सर्कुलर रिंग, ऑन ए सेमी सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सेंटर ओ सेंटर ओ, ठीक है, जे कैफ और ये है आपका आई कैफ। ठीक है, ऑप्शन दे दो, ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन लिख लीजिए, बता के लाइएगा, वन अपान टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई कैफ, सेकेंड क्यू अपान टू पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर जे कैफ, थर्ड है माइनस क्यू अपान टू पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट
आर स्क्वायर जी एफ, और फोर्थ है, फोर्थ है आपका माइनस क्यू अपॉन टू पाई स्क्वायर एफ सेलन नॉट आर स्क्वायर जे कैफ। एक क्वेश्चन सबको सॉल्व करके लाना है, ठीक है, जैसे बताया हूं वैसे ही करना है, केवल डायरेक्शन को आपको देख लेना है। देखो ए ऊपर जे कैफ दिया, और आप जब निकालोगे तो हमेशा अब जो भी सही है उसको सॉल्व करके लाइएगा आप स्टेप बाय स्टेप, अच्छे से साफ साफ रिजल्ट लिखवा लिया, आत्मन लिखना।